Yes. Let Y mu be a subspace of a topological space X2. Y be any point belonging to Y. Then N is mu neighborhood of Y if and only if N can be written as M intersection Y, where M is the toe neighborhood of Y. वही हो गया ना सेम. अगर किसी पॉइंट के आप म्यू नेबरहुड की बात कर रहे हो तो वो कैसा होगा उसका स्ट्रक्चर. अगर म्यू आपकी रिलेटिव टोपोलॉजी है उस केस में, अगर म्यू आपकी रिलेटिव टोपोलॉजी है और आप म्यू नेबरहुड की बात कर रहे हो किसी पॉइंट की, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. दैट म्यू नेबरहुड ऑफ पॉइंट वाई इज इक्वल टू एनी टो नेबरहुड ऑफ वाई इंटरसेक्शन वाई. तो ये आपने प्रूव करना है. तो सबसे पहले आपने n को म्यू नेबरहुड लेकर चले हो आप, और प्रूव क्या करना है, n इज इक्वल टू m इंटरसेक्शन y, वेयर m इज द टो नेबरहुड ऑफ y. तो लेट n बी द म्यू नेबरहुड ऑफ y. तो नेबरहुड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास एक म्यू ओपन सेट आएगा जो पॉइंट और उसके नेबरहुड के बीच में होगा. तो एक म्यू ओपन सेट आपके पास O एग्जिस्ट हुआ सच दैट y बिलोंग्स टू O इज कंटेन्ड इन n. Now n is mu, O क्या है आपके पास, mu open set है. और every mu open जो set होता है वो कैसे होता है, O can be written as every mu open set is equal to any toe open set intersection Y. तो toe open set आपने क्या ले लिया, O1 ले लिया. Because O is mu open set, so it is equal to O1 intersection Y, where O1 is any toe open set. अब देखिए जो Y point था आपका, ये Y, Y O में से था और O आपके पास किसके इक्वल आ गया, O1 इंटरसेक्शन Y के. इट मीन्स Y किस में चला गया, O1 इंटरसेक्शन Y में चला गया. इसका मतलब Y O1 में भी है, Y Y में भी है. तो Y O1, Y belongs to O1 हमने ले लिया, Y आपका O1 में चला गया. अब हमने जो M एग्जिस्ट करवाना है वो क्या होना चाहिए आपके पास, टो नेबरहुड होना चाहिए Y का. अब देखो Y का एक नेबरहुड तो N था, y का एक नेबरहुड n था जो कि म्यू नेबरहुड था y का, यानी कि y n में भी था. दूसरा एक आपने दिखा दिया कि y o1 में भी है. तो आपने जो m एग्जिस्ट करवाना है वो इन दोनों की यूनियन ले ली. लेट m इज इक्वल टू n यूनियन o1. तो अगर m इन दोनों की यूनियन है, इट मींस जो o1 है वो सबसेट हो जाएगा m का. अब y o1 में है, o1 सबसेट है m का. It means y belongs to O1 is contained in M हो गया. इसका मतलब क्या हुआ, आपने M एक कोई भी सेट M था, M और Y पॉइंट के बीच में एक O1 एग्जिस्ट करवा दिया. और O1 क्या था आपके पास, टो ओपन सेट. यानी कि पॉइंट Y और एक सेट M के बीच में आपके पास एक टो ओपन सेट आ रहा है. It means M is the neighborhood of the point Y. तो M आपका कौन सा नेबरहुड बना है, टो नेबरहुड. क्यों, क्योंकि जो O1 सेट आपका एग्जिस्ट हुआ है बीच में वो कौन सा ओपन है, टो ओपन है. दैट्स व्हाई M इज द टो नेबरहुड ऑफ द पॉइंट Y. तो अब आपने ये M तो एग्जिस्ट करवा दिया जो कि टो नेबरहुड बनता है. अब आपने एक चीज प्रूव करनी है कि N इज इक्वल टू M इंटरसेक्शन Y. ये चीज और प्रूव होनी चाहिए आपकी, N इज इक्वल टू M इंटरसेक्शन Y. तो हम M इंटरसेक्शन Y लेकर चलते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M, M is equal to N union O1 intersection Y. This is can be written as N intersection Y union O1 intersection Y. What is N intersection Y? What is N intersection Y? N intersection Y is N because N is a subset of Y. And what is O1 intersection Y? O1 intersection Y is equal to O. ये आपके पास ऊपर है. O1 intersection Y को आपने क्या लिया था, O लिया था. It means N union O, and N union O is equal to N because O is contained in N. Therefore, it is proved M intersection Y is equal to N, where M is any toe neighborhood of Y. बोले ये क्लियर है इसका फर्स्ट पार्ट. Yes ma'am. Conversely, let us pose that mu neighborhood N is equal to M intersection Y, where M is the toe neighborhood of Y. And we have to prove that, नहीं सॉरी, हमने N को mu neighborhood prove करना है ना. अब स्टेटमेंट देखते हैं एक बार. हाँ, let us pose that N is equal to M intersection Y, where M is the toe neighborhood of Y. And we will prove that N is the mu neighborhood of Y. N को हमने mu neighborhood prove करना है.
अब देखो गिवन क्या है, दो चीजें गिवन है, एक तो आपको m गिवन है टू नेबरहुड y पॉइंट का, दूसरा आपको गिवन है n इज इक्वल टू m इंटरसेक्शन y, ये दो चीजें आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम ये यूज करते हैं m इज द टू नेबरहुड ऑफ पॉइंट y। अगर m y का टू नेबरहुड है तो नेबरहुड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग y और m के बीच में एक टोपन सेट आएगा, उस टोपन सेट का नाम क्या रख दिया आपने, g रख दिया। दैट मींस y बिलोंग्स टू g इज कंटेन्ड इन m। Now, singleton y is contained in g is contained in m. Taking intersection with y. जब आप सभी में तीनों में intersect करवाओगे y के साथ, तो आपके पास देखिए जो first वाला है singleton y, singleton y की intersection y के साथ करोगे तो singleton y आ जाएगा, क्योंकि y आपका y का point है। g intersection y as it is, m intersection y आपको given है, m intersection y की value है आपके पास n, ये आपने given से use कर दिया। तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया कि y और n के बीच में एक g इंटरसेक्शन y टाइप का सेट आ रहा है, और g क्या था, टोपन सेट। अगर g टोपन था तो g इंटरसेक्शन y क्या हो गया, म्यू ओपन बन गया। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरम g इंटरसेक्शन y इज म्यू ओपन बिकॉज वी हैव g इज टोपन सेट। तो इसका मतलब आपने y और n सेट के बीच में एक म्यू ओपन सेट को एग्जिस्ट करवा दिया, इट मींस n इज द म्यू नेबरहुड ऑफ द y, यही आपने प्रूव करना था। ठीक है, यस मैम। अब देखिए अगली थ्योरम, अब ये मैं आपको खुद, अब मैं ये वाली थ्योरम्स आपको नहीं करवाऊंगी क्योंकि सेम, देखिए हमने क्या किया, हमने अभी तक तीन थ्योरम्स किए हैं, म्यू ओपन इज इक्वल टू टो ओपन इंटरसेक्शन वाई, म्यू क्लोज्ड इज इक्वल टू टो क्लोज्ड इंटरसेक्शन वाई, एंड म्यू नेबरहुड इज इक्वल टू टो नेबरहुड इंटरसेक्शन वाई। अब ये क्या है, लिमिट पॉइंट, म्यू लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू ए म्यू, देखिए म्यू लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू टो लिमिट पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन वाई। अब ए डैश म्यू का क्या मतलब है, वैसे तो हम लिमिट पॉइंट के सेट को ए डैश से डिनोट करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टोपोलॉजी के कोरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं तो ए डैश म्यू का मतलब है कि ए के लिमिट पॉइंट की बात म्यू टोपोलॉजी में हो रही है, ए डैश टो का क्या मतलब है कि ए के लिमिट पॉइंट की बात टो टोपोलॉजी में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वही हो गया जैसे हम म्यू नेबरहुड इज इक्वल टू टो नेबरहुड इंटरसेक्शन वाई प्रूव किया है, वैसे ही लिमिट पॉइंट ऑफ ए इन म्यू इज इक्वल टू लिमिट पॉइंट ऑफ ए इन टो इंटरसेक्शन वाई, ऐसे ही फिर क्लोजर आ जाएगा कि म्यू क्लोजर, ये रहा म्यू क्लोजर ऑफ ए सेट ए इज इक्वल टू टो क्लोजर ऑफ ए सेट ए इंटरसेक्शन वाई। फिर इंटीरियर पॉइंट का आ जाएगा कि इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट में क्या है आपका, ए टॉ इज कंटेनिंग गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी, ये अलग है आपका, सेकंड और थर्ड सेम है। तो मैं एक बार सेकंड स्किप करवा दे, लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट। यस, आपने कंटेनमेंट प्रूव करनी है ना, ए टॉ इंटीरियर इज कंटेन इन ए म्यू इंटीरियर, ये प्रूव करना है। तो कोई भी पॉइंट हम लेके चले ए इंटीरियर कोरस्पॉन्डिंग टू टो टोपोलॉजी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो एक्स है वो इंटीरियर पॉइंट है ए का कोरस्पॉन्डिंग टू द टोपोलॉजी टो। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ए इज द टो नेबरहुड ऑफ द एक्स पॉइंट एक्स। अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट है ए का कोरस्पॉन्डिंग टू टो टोपोलॉजी, देन इट मीन्स दैट A is the toe neighborhood of point X. ठीक है, If A is the toe neighborhood of point X, then A intersection Y is the mu neighborhood of point X. A intersection Y की value क्या होगी, A होगी, क्योंकि A किसका subset given है आपको, Y का. It means A is the mu neighborhood of X. अगर A X का mu neighborhood है, it means X क्या बन गया आपका, A का interior point corresponding to the topology mu. तो X आपका A interior mu में चला गया, यही आपने prove करना था। अब आपको बोला है कि एक एग्जांपल दो, एग्जांपल का मतलब है कि ये इक्वल क्यों नहीं हो सकते, ए मतलब अनदर कंटेनमेंट आपकी ट्रू नहीं है, इक्वालिटी क्यों नहीं आ सकती, एक एग्जांपल आपने देना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर कैपिटल एक्स आएगा बेटे, स्मॉल एक्स गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर कैपिटल एक्स कर लो, लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड टो इज इक्वल टू फाइव सिंगल्टन ए, ये आपको टो गिवन है, एक आपको एक्स स्पेस गिवन है, ये टोपोलॉजी है टो एक्स के ऊपर। ठीक है, वाई हमने एक इसका सबसेट लिया और म्यू इसके ऊपर रिलेटिव टोपोलॉजी ले ली वाई के ऊपर। तो म्यू की वैल्यू निकालो सबसे पहले, म्यू कैसे निकलेगी,
हर एक टो के मेंबर को वाई के साथ इंटरसेक्ट करवा के आपका म्यू बन जाएगा। पहले फाई की इंटरसेक्शन वाई के साथ ली तो फाई आ गया, फिर सिंगलटन ए की इंटरसेक्शन जब वाई के साथ लोगे तो सिंगलटन ए आ जाएगा, फिर ए बी की इंटरसेक्शन जब वाई के साथ लोगे तो आपके पास कितना आएगा, ए बी और वाई की इंटरसेक्शन सिंगलटन ए आएगा जो हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, फिर ए सी डी की इंटरसेक्शन जब वाई के साथ लोगे तो ए सी आएगा, फिर ए बी ई की इंटरसेक्शन जब आप वाई के साथ लोगे तो ए ई आएगा। इस टाइप से आपने सारे इंटरसेक्शन करके म्यू निकाल लिया। अब ए कोई भी आपने सबसेट लिया वाई का, लेट ए बी यानी सबसेट ऑफ वाई, ए क्या लिया आपने, ए सी ले लिया इसमें से। अब निकालो आप ए इंटीरियर कोरस्पॉन्डिंग टू द टोपोलॉजी म्यू। आपको पता है इंटीरियर क्या होता है, इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन दैट सेट। ये थ्योरम होती है इंटीरियर की, जैसे आपको क्लोजर की थ्योरम होती है कि क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट, ठीक है, तो ऐसे ही ए इंटीरियर की थ्योरम क्या होती है, ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन दैट सेट। इट मींस ए इंटीरियर कोरस्पॉन्डिंग टू म्यू टोपोलॉजी इज इक्वल टू लार्जेस्ट म्यू ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। अब आपके पास सारे म्यू ओपन सेट सामने पड़े हुए हैं, इनमें से आप वो वाला लार्जेस्ट म्यू ओपन सेट ढूंढ लीजिए जिसके अंदर आपका ए कंटेन्ड हो। कौन सा है ऐसा, एसी। तो एसी आपका वो म्यू ओपन सेट है जिसके अंदर ए कंटेन्ड है। तो ये जो एसी है आपका, ए इंटीरियर म्यू निकल गया। अब ऐसे ए इंटीरियर टो निकाल लीजिए, ए इंटीरियर टो का मतलब है कि लार्जेस्ट टो ओपन सेट कंटेन ही नहीं। अब टो ओपन सेट भी आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो इनमें से आप सबसे बड़ा ओपन सेट ढूंढ लिए, टो ओपन सेट जिसके अंदर ए कंटेन्ड हो। ए कितना है आपके पास, एसी। अब देखो इनमें से कौन सा टो ओपन सेट है सबसे बड़ा जो एसी को कंटेन करता है, सॉरी जो कंटेन्ड है एसी में, कंटेन नहीं करता, वो लार्जेस्ट ओपन सेट जो खुद कंटेन्ड है ए के अंदर कौन सा है वो, देखो सबसे बड़ा ढूंढना है आपने, सिंगलटन ए। जो ए बी है वो तो कंटेन्ड होगा नहीं एसी में, ए सी डी भी कंटेन्ड नहीं होगा, ये तो सारे आगे सुपर सेट ही बन रहे हैं, बड़े हैं। आपने आपके पास सिर्फ एक सिंगलटन ए बचता है जो कंटेन्ड है किसके अंदर, ए सी के अंदर, तो इसकी वैल्यू सिंगलटन ही आ जाएगी। तो आपने ये दोनों निकाले लेकिन दोनों क्या आ रहे हैं, नॉट इक्वल। दैट मीन्स ए इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग टू टो नॉट इक्वल टू ए इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग टू, यहाँ म्यू आएगा यू की जगह पर। बोलिए क्लियर है सबको, यस मैम। ठीक है, तो अब देखिए आपकी सारी थ्योरम्स हो गई, लिमिट पॉइंट की बेस पे होगी, क्लोजर वाली होगी आपकी, ठीक है। एक अब आपकी बाउंड्री पॉइंट के ऊपर आ गई। ऐसे ही जैसे अभी मैंने ये वाली थ्योरम करवाई है ना, ए इंटीरियर वाली कंटेनिंग, ऐसे ही ये है बाउंड्री पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू वाई स्पेस, इन्होंने वाई लिख दिया यहाँ पर म्यू की बजाय, कंटेनिंग बाउंड्री पॉइंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू एक्स स्पेस। किसके बाउंड्री पॉइंट्स की बात हो रही है, सबसेट ए के बाउंड्री पॉइंट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपने प्रूव करना है, वही सेम चीज है ऊपर इंटीरियर की तरह ही, तो इसकी कंटेनमेंट इसमें दिखानी है और आपने एक इनइक्वालिटी का एग्जांपल भी देना है, बिल्कुल सेम ऊपर वाली जो अभी मैंने फोर्थ पार्ट करवाया है उसकी तरह है ये सेम। यहाँ पर वाई एक्स की बजाय ये म्यू और टो भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है आपकी। ये आपका इनइक्वालिटी के लिए इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। अब आगे है आपका, हाँ जी ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये करते हैं। लेट वाई म्यू बी ए सबस्पेस ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टू, बीटा बी द बेस फॉर टू। अब क्या थ्योरम आई है आपकी कि किसकी बात, अगर म्यू के बेस की बात करें, हम म्यू टोपोलॉजी के बेस की बात करें, तो बेस फॉर द टोपोलॉजी म्यू दैट मीन्स बीटा वाई से डिनोट कर दिया है इसके बेस को, इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन वाई वेयर बी इज द मेंबर ऑफ बीटा एंड बीटा इज अ बेस फॉर द टोपोलॉजी। तो वही स्ट्रक्चर है ना सेम, कि म्यू के कोरस्पॉन्डिंग अगर आपने बेस लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, किसका मेंबर लोगे, टो के कोरस्पॉन्डिंग जो बेस है उसका मेंबर, इंटरसेक्शन वाई, वही सेम स्ट्रक्चर है जो हम ऊपर से फॉलो करते आ रहे हैं। तो ये चीज आपने प्रूव करनी है कि ये जो बीटा वाई है, अगर बीटा वाई का स्ट्रक्चर हम ऐसे लेते हैं बी इंटरसेक्शन वाई, वेयर बी इज द मेंबर्स, वेयर बी बिलोंग्स टू बीटा एंड बीटा इज द बेस फॉर द टोपोलॉजी टो, देन बीटा वाई बिकम्स द बेस फॉर द टोपोलॉजी म्यू।
चलिए प्रूव करते हैं इसको. सबसे पहले बीटा वाई को बेस प्रूव करने के लिए पहली कंडीशन क्या प्रूव करनी है हमने, हमने प्रूव करना है बीटा वाई इज कंटेन्ड इन म्यू. ये किया हुआ है, यस. ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है बेस प्रूव करने के लिए, हमने बीटा वाई को म्यू टोपोलॉजी का बेस प्रूव करना है. दैट मींस फर्स्टली वी हैव टू प्रूव दैट बीटा वाई इज कंटेन्ड इन म्यू. तो उसके लिए हम बीटा वाई का एक मेंबर लेकर चलते हैं. बीटा वाई का जो मेंबर है वो इस टाइप का है, बी इंटरसेक्शन वाई. लेट बी इंटरसेक्शन वाई बिलोंग्स टू बीटा वाई, वेयर बी इज द मेंबर फ्रॉम बीटा एंड बीटा इज अ बेस फॉर द टोपोलॉजी टो. हमने सबका स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन करना है. जैसे आप सबका स्ट्रक्चर लिखते रहोगे उससे आप आपका प्रूफ उतना ही इजी हो जाएगा. अगर आप सिर्फ इतना ही इसको छोड़ देते हो कि लेट बी इंटरसेक्शन वाई बिलोंग्स टू बीटा वाई, तो आपको आगे प्रूफ में दिक्कत आती है, फिर आपको चीजें ढूंढनी पड़ती हैं. अगर सारी क्लैरिटी सब कुछ लिखा हुआ है सबका स्ट्रक्चर कि व्हाट इज बी, ठीक है, फिर हमने लिखा कि बी किसका है, बीटा का, व्हाट इज बीटा, फिर क्वेश्चन आ जाता है कि बीटा क्या है, बीटा इज अ बेस फॉर. अब सारा डिफाइन हो गया यहाँ पर कि बी बीटा से है, बीटा आपका बेस है टोपोलॉजी टो का. हमें प्रूव करना है बीटा वाई इज कंटेन्ड इन म्यू. अब देखो अगर बीटा टो का बेस है तो इसका मतलब बीटा कंटेन्ड होगा टो में. अगर बीटा टो का बेस है तो दैट मीन्स बीटा इज कंटेन्ड इन टो है. अगर बी बीटा में है, बीटा कंटेन इन टो है, इट मीन्स बी किस में चला गया, टो में चला गया. बी टो ओपन बन गया. अगर बी टो ओपन है तो बी इंटरसेक्शन वाई क्या बन जाएगा, म्यू ओपन बन जाएगा. इसका मतलब आपने बी इंटरसेक्शन वाई को किस में दिखा दिया, म्यू में. इट मीन्स बी इंटरसेक्शन वाई आप बीटा वाई से लेकर चले थे, म्यू में आपने शो कर दिया. दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दैट इज बीटा वाई इज कंटेन इन म्यू. बोलिए क्लियर है फर्स्ट कंडीशन सबको. Yes, ma'am. अब दूसरी वाली कंडीशन चलते हैं. दूसरी के लिए हमें क्या करना है, हमने बीटा वाई को म्यू का बेस प्रूव करना है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेकर चलते हैं और एक उसका नेबरहुड लेके चलते हैं. अब बीटा वाई को म्यू का बेस प्रूव करना है, यानी कि किस स्पेस में बात हो रही है, वाई स्पेस में बात हो रही है, क्योंकि म्यू टोपोलॉजी है. म्यू टोपोलॉजी है तो वाई स्पेस में बात हो रही है. दैट मीन्स हमने एक वाई का पॉइंट लेकर चलना है और एक उसका म्यू नेबरहुड लेकर चलना है, और उन दोनों के बीच में हमने एक बीटा वाई का मेंबर को एग्जिस्ट करवा देना है. ठीक है, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है. तो चलिए पहले एक पॉइंट लिया हमने वाई. लेट वाई बिलोंग्स टू वाई बी एनी पॉइंट एंड एन बी द म्यू नेबरहुड ऑफ वाई. ठीक है, अब हमारा पर्पस क्या है कि पॉइंट वाई और एन के बीच में हमने एक बीटा वाई का मेंबर एग्जिस्ट करवाना है. और बीटा वाई का मेंबर कैसा है वो आपके माइंड में पिक्चर होनी चाहिए उसकी, कि बीटा वाई का मेंबर कैसा है. बीटा वाई का जो मेंबर है वो एनी मेंबर ऑफ द बीटा इंटरसेक्शन वाई टाइप का है. चलिए स्टार्ट करते हैं. वाई पॉइंट है वाई का और एन म्यू नेबरहुड है. अब एन अगर म्यू नेबरहुड है तो एन कैन बी रिटन एज टो नेबरहुड इंटरसेक्शन वाई. एन कैन बी रिटन एज एम इंटरसेक्शन वाई, वेयर एम इज द टो नेबरहुड ऑफ द पॉइंट वाई. ये हमने थ्योरम कर चुके हैं. अब एम टो नेबरहुड है वाई का और बीटा बेस है टो का. ठीक है, बीटा बेस है और एम वाई का टो नेबरहुड है, तो इट मीन्स वाई और एम के बीच में बीटा का एक मेंबर आएगा. तो वो मेंबर हमने क्या ले लिया, बी ले लिया. बेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वाई और एम के बीच में एक बीटा का मेंबर आएगा, उस मेंबर का नाम क्या रख दिया, बी. तो वाई बिलोंग्स टू बी इज कंटेन्ड इन एम आ गया. तो सिंगलटन वाई इज कंटेन्ड इन बी इज कंटेन्ड इन एम आ गया. ठीक है, देखो हमेशा क्या होता है, ध्यान से देखना ये एक्चुअली अब आपका चल क्या रहा है सारी थ्योरम से. आप अगले अगर टो से म्यू पे जाना है, अब यहाँ पर यही केस है ना, आपने टो से म्यू पर जाना है. कैसे, आपके पास एम टो नेबरहुड आ गया, बीटा टो का बेस है. अब आप टो नेबरहुड की सारी डेफिनेशन लगा के टो से म्यू पर जाना है. जब भी आपने टो से म्यू की साइड जाना है तब आप इंटरसेक्ट जरूर करवाओगे वाई के साथ. सारी थ्योरम्स में आपका यही प्रोसेस रहेगा. और जब आपने म्यू से टो की साइड जाना है तो आप उसका स्ट्रक्चर लिखते हो कि अगर ये म्यू ओपन है तो इट इज इक्वल टू क्या होगा, टो ओपन, तब आपका बीच में टो, तब आप टो की साइड मूव करते हो. अब हमारे पास ये टो का कंडीशन गिवन थी कि एम टो नेबरहुड है, बीटा बेस है टो का. तो आपने क्या किया, बीटा बेस की डेफिनेशन लगा दी कि वाई और एम के बीच में एक बेस का मेंबर आएगा, वो बी ले लिया. अब हमने फिर सिंगल कंटेनमेंट कर ली. अब हमने इंटरसेक्ट करवाया वाई के साथ, क्योंकि जब तक हम इंटरसेक्ट वाई के साथ नहीं करवाएंगे तो हम म्यू टोपोलॉजी पे नहीं पहुंच पाएंगे.
तो आपने इंटरसेक्ट करवा दिया वाई के साथ, तो सिंगलटन वाई और वाई की इंटरसेक्शन सिंगलटन वाई हो गई, बीच वाला आपका एज इट इज, और एम इंटरसेक्शन वाई आपका क्या था, एन था। इसका मतलब आपने पॉइंट वाई और एन नेबरहुड के बीच में एक मेंबर आ गया आपका, वो मेंबर कैसा है, बी इंटरसेक्शन वाई, और बी क्या था आपका, बी आपका बीटा बेस का मेंबर था, और यही तो आपने एग्जिस्ट करवाना था। तो बी इंटरसेक्शन वाई किस में चला गया आपका, बीटा वाई में चला गया, बीटा वाई में। तो बीटा वाई क्या बन गया, बेस बन गया है आपका म्यू टोपोलॉजी के कोरस्पॉन्डिंग। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? अब ऐसे ही सेम यही थ्योरम सब बेस के ऊपर आ गई है। देखिए y mu be a subspace of a topological space x to, delta be the subbase for the topology to, then prove that delta y is a subbase for u, u नहीं आएगा, mu आएगा यहाँ पर, prove that delta y is a subspace for the topology mu. What is delta y? Delta y is equal to s intersection y, where s is the member of the subbase delta. And delta किसका सब बेस है आपका, टो टोपोलॉजी का। वही सेम स्ट्रक्चर है ना जो ऊपर वाली थ्योरम में प्रूव किया था हमने। ठीक है, तो इसको करते हैं, इसको एक बार पढ़वा देती हूँ मैं, हो सकता है आपको ना समझ आए। डेल्टा वाई को आपने सब बेस प्रूव करना है, तो आपने एक थ्योरम की थी कि कोई भी फैमिली सब बेस किसी टोपोलॉजी का तब बनती है इफ एवरी ओपन सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ यूनियन ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ सब बेस, मींस दैट फैमिली। किसी भी फैमिली को अगर सब बेस बनाना है, जैसे हमने यहाँ डेल्टा वाई को सब बेस बनाना है, किसका बनाना है, म्यू टोपोलॉजी का बनाना है। डेल्टा वाई को आपने म्यू टोपोलॉजी का सब बेस बनाना है, तो आपको क्या प्रूव करना होगा, every mu open set can be expressed as the union of finite intersection of members of delta y. hello, हाँ जी, बोलिए। ये क्लियर है कि अगर डेल्टा वाई को सब बेस बनाना है म्यू का, तो हमें क्या प्रूव करना है, म्यू ओपन सेट कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा वाई। ये क्लियर है सबको? हाँ जी गर्ल्स, जाग रहे हो आप लोग? Yes, ma'am. मैं क्या कह रही हूँ कि आपको थ्योरम का स्ट्रक्चर क्लियर है कि थ्योरम प्रूव करने के लिए हमें ये चीज प्रूव करनी है? मैम एक बार फिर से बता देना प्लीज। आपने, अच्छा ये याद है थ्योरम, सब बेस की डेफिनेशन याद है? चलो ये बताओ सब बेस की क्या डेफिनेशन थी। हाँ जी पल्लवी, सब बेस की डेफिनेशन बताइए बेटा मुझे। पल्लवी है ही नहीं। सेट डेल्टा, हमने सेट डेल्टा सबसेट ऑफ टो सेट टू बी सब बेस इफ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा इज इक्वल्स टू बेस। अगर उस सेट, यस, अगर उस फैमिली के फाइनाइट इंटरसेक्शन, एवरी फाइनाइट इंटरसेक्शंस की जो कलेक्शन बनेगी अगर वो बीटा बेस बन जाए, तो आपका वो फैमिली सब बेस बन जाती है। ठीक है, अच्छा अब एक बीटा बेस के केस में आपने एक थ्योरम की थी
कि बीटा इज अ बेस फॉर द टोपोलॉजी टू इफ एंड ओनली इफ एवरी टोपन सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा. ये याद है? ये वाली थ्योरम कौन सी थ्योरम? बीटा इज अ बेस फॉर द टोपोलॉजी टू if and only if every two open set can be written as the union of members of beta. Yes ma'am. ये थ्योरम ली थी ना? ये तो बहुत well known. इसी के बेस पे तो हमने बीटा बेस बहुत क्वेश्चंस में बेस प्रूव किया है. तो ये वही थ्योरम लगी हुई है अब इसके अंदर. अब ध्यान से देखो, आपने मुझे दो चीजें बताई. एक चीज तो क्या बताई कि सब बेस कब बनता है? जब उस फैमिली के फाइनाइट इंटरसेक्शंस ले लो मेंबर्स की, अगर वो क्या बन जाए? बेस बन जाए. तो इसमें और एक अब इन दोनों को कंबाइन कर दो. जो दोनों चीज आपने मुझे बताई हैं उन दोनों को कंबाइन करके क्या आपका ये नहीं बन रहा कि इफ एवरी म्यू ओपन सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा की बजाय इन्होंने क्या लिख दिया? अब मेंबर्स ऑफ बीटा कैसे हैं आपके? फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ डेल्टा वाई. बोलिए, समझ आई अब? या अभी भी नहीं आया? यहाँ पर वही थ्योरम लगाई हुई है कि एवरी म्यू ओपन सेट कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बेस बीटा. लेकिन बेस बीटा क्या है अब आपका? सब बेस के केस में बेस के मेंबर कैसे होते हैं? अभी आपने मुझे बताया ही तो है कैसे होते हैं बेस के मेंबर. फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ डेल्टा वाई. तो यहाँ पर बीटा बेस ना लिख के क्या लिख दिया? Can be expressed as a union of finite intersection of members of delta y. आप इसको short form में कैसे कर सकते हो? आप क्या करो, let beta assume कर लो पहले, ठीक है? Beta is equal to, beta is the collection of finite intersection of members of delta y. या beta y कर लो, क्योंकि delta y के corresponding beta y आएगा. Let beta y be the collection of finite intersection of members of delta y. ठीक है? तो अब क्या लिखोगे? नाउ फॉर प्रूविंग डेल्टा वाई इज अ सब बेस फॉर द म्यू टोपोलॉजी वी हैव टू प्रूव दैट एवरी म्यू ओपन सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा वाई. ऐसे कर लो. इन्होंने क्या किया, एक ही लाइन में सब कुछ लिखा हुआ है. जो दो डेफिनेशन अभी आपने मुझे बताई है उन दोनों को कंबाइन करके आपका ये प्रूव हो जाएगा. ठीक है, आप समझ आ गया? बोलिए. yes, ma'am. अब आपने डेल्टा वाई को अगर म्यू का सब बेस प्रूव करना है तो आप कोई भी म्यू ओपन सेट लेकर चलोगे और उसको आपने यूनियन में एक्सप्रेस कर देना है. किसकी यूनियन में? फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा वाई की यूनियन में एक्सप्रेस कर देना है. तो लेट अस स्टार्ट. ए बी एनी म्यू ओपन सेट, देन ए कैन बी रिटन एज बी इंटरसेक्शन वाई वेयर बी इज टू ओपन सेट. ठीक है, क्योंकि वही थ्योरम म्यू ओपन सेट इज इक्वल टू टू ओपन सेट इंटरसेक्शन वाई. अब बी टू ओपन सेट है, डेल्टा किसका सब बेस गिवन है? टू टोपोलॉजी का. इसका मतलब क्या होगा कि बी कैसे लिखा जाएगा? अगर बी टू ओपन है और डेल्टा सब बेस है टू टोपोलॉजी का, इट मींस बी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा. इज इट क्लियर? बिकॉज ये बेटा कमी है आपकी करने में, जो आप घर जाके पढ़ते नहीं हो ना, इसलिए आपकी यहाँ पर आवाज नहीं निकल रही अब, या फिर एक दो बच्चे की निकल रही है जो सिर्फ पढ़ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि ये तो पूरी टोपोलॉजी में चलना है काम आपका. पहले चैप्टर का 10वें चैप्टर में चीजें यूज होंगी, 10वें चैप्टर की आगे 15th चैप्टर में चीजें यूज हो रही हैं. सारी टोपोलॉजी तभी एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है. अगर पिछले कंसेप्ट आपको नहीं पता तो आपको आगे का कुछ भी समझ नहीं आएगा. ये मैं पहले बता रही हूँ, और ये चीज अभी नहीं, इस चैप्टर में नहीं, आगे भी सारे चैप्टर्स में आपकी यही चलनी है. अब आपके पास बी टोपन सेट है और डेल्टा सब बेस है टोटोपोलॉजी का. इट मींस बी कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा. सो बी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एस आई वन एस आई टू एस आई एन वेयर दीज एस आई वन एस आई टू एस आई एन आर द मेंबर्स फ्रॉम डेल्टा. It means SIK belonging to delta, K varies from 1 to N. Therefore, A is equal to Y intersection B. अब A क्या था हमारे पास ऊपर से? A की value क्या थी? B intersection Y. और B की value आपके पास ये आ गई. तो B की ये वाली value ऊपर आपने put कर दी. तो A क्या बन गया अब आपका?
वाई इंटरसेक्शन और ये आपने बी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने इसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करके आपके पास आ गया यूनियन ऑफ, सबके साथ अलग अलग इंटरसेक्शन कर ली वाई की, वाई इंटरसेक्शन एस आई वन, फिर यूनियन नहीं वाई इंटरसेक्शन एस आई वन, फिर आपके पास आ जाएगा वाई इंटरसेक्शन एस आई टू, फिर आएगा वाई इंटरसेक्शन एस आई थ्री, वाई इंटरसेक्शन एस आई एन, ये सारी इंटरसेक्शन स्प्लिट कर ली और यूनियन ये आ गया आपके पास। तो ये क्या बन रही है, अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया आपके पास, यूनियन आ गई। किस टाइप के मेंबर्स की इंटरसेक्शन की यूनियन है, वाई इंटरसेक्शन एस आई वन टाइप के मेंबर्स की इंटरसेक्शन की यूनियन है। तो ये मेंबर देखो अब कहाँ जाएगा, वाई इंटरसेक्शन एस आई वन, एस आई वन किसका मेंबर था, एस आई वन आपका डेल्टा का मेंबर था, या डेल्टा क्या था, सब बेस था टो टोपोलॉजी का। तो अगर एस आई वन डेल्टा का मेंबर है, डेल्टा सब बेस है टो टोपोलॉजी का, तो एस आई वन इंटरसेक्शन वाई आपका किसका मेंबर बन गया, डेल्टा वाई का मेंबर बन गया। तो इट मीन्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ डेल्टा वाई, यही आपने प्रूव करना था। हेंस डेल्टा वाई इज अ सब बेस फॉर म्यू टोपोलॉजी, क्लियर है? यस मैम। अब देखिए ये आगे बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टार्ट होती है, फर्स्ट एग्जाम इज हेरिडिटरी, ठीक है। इट मींस आपको क्या प्रूव करना है, फर्स्ट एग्जाम अगर हेरिडिटरी प्रूव करनी है आपको एक